नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे हमारे पंचमकारों के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र अर्थात लुटियंस मीडिया के ऊपर और उनके जो जुड़े हुए तंत्र हैं उनके बारे में, और हमें बताएंगे इसके बारे में सुमित पीर जी का स्वागत करता हूं आज। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, शो पे बुलाने के लिए सादर आभार सर। और सुमित पीर जी के बारे में बता दूं, आप सुमित पीर जी से मिल सकते हैं 4 और 5 नवंबर को, जब यहां पर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग समिट 2023 हो रहा होगा, और उसके डिटेल्स आपको सब मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो सुमित पीर जी, आप ये बताएं कि जो FIR दाखिल हुई है और जिसके अब डिटेल सामने आ रहे हैं, हमारा जो चाइनीज मीडिया है यहाँ पर, देखिए मीडिया बहुत तरह का होता है और लुटियंस मीडिया के भी कई रूप हैं, उसमें चाइनीज मीडिया भी है, सोरोस मीडिया भी है, फोर्ड फाउंडेशन मीडिया भी है, और ओमिडियार मीडिया भी है, और आपका टुकड़े टुकड़े इंडिया वाला मीडिया भी है, तरह तरह के मीडिया हैं। लेकिन ये जो चाइनीज मीडिया पकड़ा गया है, तो ये बताया गया कि साहब के पैसे जो ये हैं जो इनको मिल रहे थे, वो चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज में भी उनका निवेश हो रहा था। जी जी जी, तो संजय सर सबसे पहले तो हमें जो यहाँ बात है, क्योंकि एक धारणा बनाई गई थी भारत में कि भाई डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ है स्तंभ पिलर, उनमें से एक स्तंभ है मीडिया, आप मीडिया को छू नहीं सकते, मीडिया पूरा परे है, किसी जांच पड़ताल से परे है, और जो हमारे पंचमुखी मक्कार है, कुछ मीडिया, कुछ इनमें से पत्रकार के वेश में, जैसे रावण ने वो, जैसे कालनेमी ने वो चोला पहना था ना, और कालनेमी ने ऋषि का चोला, ठीक उसी तरह ये पत्रकार का चोला पहन के भारत को लूटने का, दलाली की दुकान चलाने का और भारत के इंटरेस्ट को खराब करने का काम करते आ रहे थे। भाई एक एक ये धारणा बनी थी मीडिया भाई फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, इसको टच नहीं कर सकते, इसको टच करने का मतलब है स्वयं पूरा पूरा डेमोक्रेसी पे आघात, और ये कोई शासन प्रशासन कर नहीं सकता। और इन्हें लगा था चाइना से, सोरोस से, अमेरिका से, CIA से, जहां से भी पैसा मिलता पैसा उठाओ, काम करो, भारत को बदनाम करने का काम करो, भारत की हर चीज को डाउन प्ले करो। देखिए आत्मनिर्भर भारत नहीं चलेगा, डिजिटल इंडिया नहीं चलेगा, मेक इन इंडिया नहीं चलेगा, वैक्सीन नहीं चलेगी, भारत मेडिकल हब है नहीं है, सोलर एनर्जी वाला अलायंस नहीं चलेगा, ये आपका मिनरल ऑयल्स वाला अलायंस नहीं चलेगा, G20 हम कर नहीं पाएंगे, मतलब ऐसी कोई चीज जो भारत का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आज तक इन्होंने पूरे भारत और भारतीयों को समझाया हो नहीं सकता। भाई वैक्सीन को बनने में 15 साल लगेंगे, अगर बन भी गई तो तुम्हारा नंबर क्या आएगा। और यहाँ तो कुछ पत्रकार ऐसे हैं संजय सर जिन्होंने अमेरिका में बैठने वाले NGO चलाने वालों को अपनी चैनल पे बुलाया और वो यहाँ आकलन लगा रहे थे जब कोविड का पीक था, भारत में 15 मिलियन मरेंगे या 25 मिलियन मरेंगे, इसका आकलन लगाया जा रहा था, जब हमारे यहाँ जनता में भय था, पूरे विश्व में जनता में भय था, यहाँ मुर्दे गिनने का काम कुछ टीवी चैनल कर रहे थे, कुछ पत्रकार कर रहे थे, 15 मिलियन मरेंगे या 25 मिलियन मरेंगे। इतना नहीं, ये हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर साहब है, बड़े रॉक स्टार है, वो आके ये हिसाब लगा रहे थे कि तुम्हारा वैक्सीन क्यों फेल होगा, तुम्हारी इकोनॉमी कैसे फेल होगी, तुम बैंकक्रप्ट कैसे होगे, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज कैसे खत्म होगा, फॉरेन वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए, मोदी जी फॉरेन वैक्सीन लाओ, मोदी जी फाइजर की वैक्सीन लाओ, मोदी जी चाइनीज वैक्सीन लाओ। आज वो गद्दार जवाब देंगे किसके कहने पे, किसके कहने पे वो टीवी पे आके चिल्ला रहे थे मोदी जी चाइनीज वैक्सीन लाओ। चाइनीज वैक्सीन का तो अपने हिसाब किताब देख ही लिया संजय सर, फाइजर की वैक्सीन में क्या आपको पता है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में क्या दिक्कत है आपको पता है। ये पूरा ये जो अभी विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई है उसमें भी बहुत कुछ खुलासा किया है, उसमें एक कैरेक्टर है रोहिणी सिंह नाम की, और वो रोहिणी सिंह नाम की जो कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ की एक 3 BHK वाली जो रोहिणी सिंह है उससे काफी मिलती जुलती है। सर यहाँ तो कई सारे खिलाड़ी हैं। देखिए सर अगर 1000 करोड़ रुपया डाला गया सिस्टम में, 1000 करोड़ रुपए जो अभी तक हमें पता जितना खुलासा हुआ है,
अब कितना आया ओवर देयर समय नहीं पता, 1,000 करोड़ में तो बहुत लोग बिक जाते हैं यहाँ पे। आज तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया वालों से आपके चैनल के माध्यम से सवाल करूंगा, 25 मिलियन मरे, 30 मिलियन मरे, एनजीओ वालों को लाला के बुला रहे थे, एक्स गवर्नर ये कह रहा था तुम कब डूबोगे, कैसे डूबोगे और तुम कहां मरने वाले हो। और ये जो फॉरेन वैक्सीन है सर, इन्होंने एक वो निकाला था, मोदी अनलीश्ड वायरस एक्लोपेस ऑन इंडिया, एक बड़े बड़े कवर निकाले थे। और यहाँ एक और चीज देखिए सर, हिंदुओं की चिताएं जल रही थी, हमारे भाई बहन मर रहे थे, ये गद्दार ऐसे हैं शमशान घाटों में बैठ के चिताओं की फोटो खींच के 25,000 रुपए में बेच रहे थे। और वो फोटो, वो जलती हुई चिताओं की फोटो हर जगह, हर पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया गया, भारत में लोग मर रहे हैं, भारत में लोग मर रहे हैं। कोई कब्रिस्तान तो नहीं गया भाई, मरा होगा, हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा, कब्रिस्तान तो कोई नहीं गया। अगर आप शमशान में आज भी जाओगे भाई, आज भी जलती हुई चिताएं मिलेंगी, शमशान जो है आज भी तो जलती हुई चिताएं मिलेंगी वहां, वहां और तो वहां, वहां और कुछ तो होता नहीं। तो मतलब आप देखिए कहां कहां तक दरारें का काम किया गया। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, उन दिनों की बात थी, हम टीवी डिबेट्स वगैरह पे आते थे, वहां पे क्या था सर, लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम था। अब जिसको कोविड है या कोविड के इन्फेक्शन से ग्रस्त है तो बट नेचुरल बात है उसका ऑक्सीजन लेवल या उसकी लंग्स का सैचुरेशन पावर कम होता है। अब ऐसे में आप ये बताओ 25 मिलियन मरेंगे या 30 मिलियन, लाश वहां गिरेगी या यहां गिरेगी, लाश को कोई हाथ नहीं लगा रहा, गंगा जी में लाशें बह रही है, चिताएं जल रही है, होता क्या था सर। ये चीज मैं एक्सपोज करना चाहूंगा जयपुर डायलॉग पे, जब ये चीजें कोविड पेशेंट देखता था उसकी हार्ट बीट बढ़ती थी, हार्ट बीट बढ़ती थी तो उसका ऑक्सीजन जरूरत और बढ़ती थी, जो ऑलरेडी कम ऑक्सीजन उसको मिल रहा था बॉडी और मांगती थी। तो जिसका ऑक्सीजन 92 है 90 है वो सीधा 84 85 86 पे जाते उसको हॉस्पिटल भगाना पड़ता था। अब आपको पता ही हॉस्पिटलों की परिस्थिति क्या थी। यहाँ इन गद्दारों ने देश को संभालने के जगह देश को डराने का काम किया। इन गद्दारों ने ये बोला कि 15 साल लगेंगे वैक्सीन बनने में, 7 साल लगेंगे क्लिनिकल ट्रायल में, और भाई ये अगर वैक्सीन तुम्हारे टीके लगते गए 25 साल लगेंगे 200 करोड़ वैक्सीन लगाने में, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी को मोटा मोटा लगाना था। अब आज वो इसका जवाब देंगे, आज वो ये बोलेंगे कि किसके पैसे खाके, किस सिंगम से पैसे लेके उन्होंने ये खबरें राष्ट्रीय टीवी पे चलाई, राष्ट्रीय न्यूज़पेपरों पे चलाई, मेनस्ट्रीम मैगजीनों पे चलाई। सर अगर ये ट्रीजन नहीं तो और क्या है, अगर ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। आप ऐसे भयंकर ऐसे डरावने चित्र देख रहे थे, लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे थे, जबकि आपको पता है हॉस्पिटलों की हालत खराब है, हॉस्पिटल्स आर ओवरफ्लोइंग, और तब भी हमने दुनिया में सबसे अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया। हमारी डेथ्स अमेरिका से लगभग 1/4 है, जबकि हमारी आबादी 5 गुना है अमेरिका से। हमने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया, हमने आयुष्मान अपना ऐप बनाया, आयुष्मान भारत जो ऐप था, सॉरी कोविन ऐप बनाया हमने, सब किया, मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। जब हमने वैक्सीन बनाई सर, भारत बायोटेक की वैक्सीन को अप्रूवल दिलवाया इन्होंने, पूरे विश्व में इन्होंने प्रचार किया ये वैक्सीन फर्जी है, ये वैक्सीन चलेगी नहीं। और हमारे अखिलेश भैया तो ये कह रहे थे जब मैं जीत के आऊंगा तब मैं अपनी वैक्सीन बनाऊंगा और तब तुम वैक्सीन लगवा लेना। और जब वैक्सीन लगने का टाइम आया, अखिलेश जी सबसे पहले पहुंच गए थे डिंपल भाभी को और अपने परिवार को लेके वैक्सीन लगवाने, पर लोगों कह रहे थे जब हम जीतेंगे तब हम वैक्सीन लगाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है। सर इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र लचा गया, हजारों लाखों लोगों की जान के साथ खोलने की कोशिश की कि लोग मरेंगे, मोदी का नाम बदनाम होगा और हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये जो बिका हुआ मीडिया था इसने पूरा प्रचार प्रसार किया, पूरे संयोजित कार्यक्रम में ये बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत बड़ा किरदार इन्होंने निभाया सर। इन्होंने लोगों को डराने का काम किया, इन्होंने मेरे देशवासियों को डराने का काम किया, इन्होंने हमारे माता बहनों बच्चों को डराने का काम किया, इन्होंने सांत्वना नहीं दी, इन्होंने विश्वास नहीं दिया, इन्होंने सच्चाई नहीं, साथ में इन्होंने चाइना को बचाने का भी काम किया। इन्होंने कहीं पर भी ये लगातार आप देखिए, चाहे ये न्यूज क्लिक हो, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के जो पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है वो तो अब सबके सामने ही है। हम जयपुर डायलॉग्स पे इसके बारे में 2-3 कार्यक्रम कर भी चुके हैं, सब जानते हैं कि भाई किसके किससे साथ इनके कहां से पैसे मिले और कौन ये आपका नेविल रॉय सिंघम कौन था और किसके माध्यम से पैसे फंडिंग हो रहे थे, वो सारी चीज़ें तो सामने आ गई। आप ये देखिए कि न केवल ये बल्कि इस इकोसिस्टम के जो और हैं अवयव, कोई वायर है, कोई लायर है, कोई स्क्रॉल है, कोई क्विंट है, कोई न्यूज मिनट है, कोई न्यूज लॉन्ड्री है, ये सब जो है वो पूरा का पूरा काम इन लोगों ने लगा रखा था। यानी कि कपड़े धोने तक का काम भी लोग करते थे, न्यूज लॉन्ड्री में भी खबरें धोते थे।
और इन्होंने एक स्वर में कहा कि चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरस, लेकिन सर बाद में बोले कि हाँ यस देर इज एन इंडियन वेरिएंट, चाइनीज वायरस नहीं बोलते, इंडियन वेरिएंट बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आप ध्यान होगा कि 60s और 70s में जो नक्सली थे ये कहा करते थे कि भाई चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, ये वो लोग हैं। करेक्ट सर, ये जो लेफ्ट वाले ये तो ये भी कहते थे कि आपको चाइना की आर्मी के लिए खून देना चाहिए और भारतीय सेना के लिए खून न दे, इन्होंने ये भी अपील की थी। ये तो पब्लिक फोरम है, हम इन पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये कोई आंकला नहीं है, पब्लिक फोरम में अपील है, चाइना की आर्मी के लिए खून दो, भारत की आर्मी को खून मत दो, ये भी इन्होंने अपील की है। और सर ये जितने भी लोग थे, सबसे पहली बात तो ये है सर, वायरस चाइना से है या दुनिया मान चुकी है, चाइनीज वायरस, इसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इन्होंने क्या किया, कहां से बैन नहीं कराया, ये करवाया वो करवाया, इन्होंने बोला चाइना ने कोविड कंट्रोल कर लिया, इन्होंने बोला चाइना में केवल 4,000 लोग मरे, इन्होंने बोला 1,00,000 लोगों को इन्फेक्शन है। भैया अगर 4,000 लोग मरे 1,00,000 लोगों को इन्फेक्शन है तो 3 साल का लॉकडाउन काहे को लगाया चाइना में? चाइना में क्या वो घर पे बैठ के पकौड़े तल रहे थे क्या? 3 साल का लॉकडाउन काहे को लगाया? और फिर कह रहे कि चाइना से वायरस नहीं आया। सर चाइना से वायरस आया, चाइना के पैसे इन्होंने खाए, और इन्होंने दो काम किए, एक चाइना को छुपाने का काम किया, दूसरा बोला चाइना बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट कर रहा, चाइना से इलाज निकलेगा, चाइना ने सबसे पहले जीनोम को जो जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसको वेरिएंट को अलग किया, और फिर इन्होंने क्या किया, भारत में कुछ नहीं चलेगा, भारत की वैक्सीन नहीं चलेगी, पूरी इन्होंने कोशिश की गद्दारों ने कि मोदी जी आपके पास 500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 5-10 बिलियन की वैक्सीनें खरीद लो, तब भी दलाली खाने के चक्कर में थे, 5-10 बिलियन की वैक्सीनें खरीद लो। सर चाइनीज वैक्सीन कहते थे हमारे बच्चों को मोदी जी चाइनीज वैक्सीन लगाओ, क्या वो राजनेता क्या वो पत्रकार आज सार्वजनिक रूप से आके पब्लिकली आके माफी मांगेंगे, ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लाओ, फाइजर की वैक्सीन लाओ, तो मोदी जी पैसे किसके लिए बचा रहे हो? ये जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी सर, 70 सालों में पहली बार आग लग जाती है, और जो वैक्सीन बनाने का जो प्रकरण है, जो असेंबली लाइन है, वो पूरी ध्वस्त हो जाती है। भारत बायोटेक के वैक्सीन को महीनों तक अप्रूवल नहीं मिलता, जबकि खुद हमारे प्रधानमंत्री ने वो वैक्सीन लगवाई, ओपन मीडिया में सारे मंत्रियों ने लगवाई, लाखों लोगों ने लगवाई, तब तक अप्रूवल नहीं मिला। ये हमेशा कहते रहे भारत वैक्सीन नहीं बना सकता, भारत की वैक्सीन सेफ नहीं है। आज वो फाइजर तो ये भी कह रहा कि मेरी वैक्सीन की एफिकेसी कुछ नहीं है, आज फाइजर की वैक्सीन की एफिकेसी की बात ही नहीं हो रही। सर इन्होंने, और ये जो चाइना के दलाल हैं, और जो कुछ यहाँ बैठे और कुछ वहां भी बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, जब ये पूरा हमारा डेल्टा का वेव चला संजय सर, हमने चाइना से बोला यार हमने ऑक्सीजन तो बना लिया, हमें वो क्रायोजेनिक टैंक चाहिए जिसमें ऑक्सीजन स्टोर होता, मंगोलिया जैसी कंट्री ने हमें 500-700 सिलेंडर भेज दिया, हर छोटी बड़ी कंट्री से जो हुआ, सिंगापुर जैसी कंट्री, ब्रुनाई जैसी कंट्री से हेल्प आई, इन नमाकुल चीनियों ने, इन शैतान के बच्चों ने एक क्रायोजेनिक सिलेंडर और 1 लीटर ऑक्सीजन नहीं भेजा। देखिए कबाल पूरा तैयार था, लोग ज्यादा से ज्यादा मरे, पैसा लगा रहे थे, और इसको लेके मोदी को गिराना है, इसको लेके भाजपा की सरकार को गिराना, देख और ये दिखाना है मोदी जी ने क्या कर दिया जी, 140 करोड़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर दिया, भारत की वैक्सीन नहीं बनेगी। अगर भारत की वैक्सीन नहीं बनी, जो भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो हमारे पास खिताब है, जो हमारे सर पे ताज है, वो कैसे हटाया जाए? इसमें बिग फार्मा भी इन्वॉल्व है सर, इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसमें कुछ CIA के लोग इन्वॉल्व है, और इसमें 100% ये नेवल रॉय सिंगम वगैरह, ये तो एक चैनल है, अभी तो और चैनल खुलेगी, अभी जैसे जैसे लोग अंदर जाएंगे, जैसे जैसे व्हाट्सएप चैट है, ईमेल है, और तोते की तरह लोग बोलते, फिर जब अंदर जाते तो थोड़ा तोते की तरह बोलते रहे, दे सिंग लाइक अ कैनरी, अभी तो और नाम आएंगे सर, वी ओनली नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग। 1,000 करोड़ रुपया किस किस गद्दार ने खाया है, सवाल ये है, 1,000 करोड़ रुपया आया है, उससे ज्यादा आया, सवाल ये है। एक सिंगम वाला तो एक चैनल है, और इस सिंगम के बारे में आपको बता दो सर, भारत के मूल का है, भारतीय मूल का है, ना भारतीय का नहीं है, श्रीलंका का है, श्रीलंका का, हाँ सॉरी श्रीलंकन है ये सर अमेरिकन सिटीजन है। अगर ये अमेरिकन सिटीजन है तो ये पिछले 1 साल से चाइना में क्या कर रहा है, जहां अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा वो निकला कम्युनिके, भाई यू शुड नॉट गो टू चाइना, चाइना इज नॉट सेफ फॉर अमेरिकन, आपको उठा लेंगे, आपको ये कर लेंगे, तो ये अमेरिकन सिटीजन चाइना में क्या कर रहा है,
ये कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशनों में क्यों जाता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कशॉपों में क्यों जाता है, इसका कौन सा ऐसा बिजनेस है जो केवल शंघाई से चलता है, ये एक साल से यूएस क्यों नहीं आ रहा, कौन सा ऐसा बिजनेस करता है, अगर ये फिलेंथ्रोपी करता तो इसके पास पैसा कहां से आता है। सर सिंघम तो एक कड़ी है, चलिए सिंघम श्रीलंकन है, उसको गोली मार देते हैं, नॉट लिटरली बट जस्ट फॉर वो कहने वाली बात है। मैं कह रहा हूं ये जो भारत के गद्दार इसमें शामिल है, इनका क्या किया जाए, इन पे देशद्रोह का केस क्यों ना चले, इन सब की प्रॉपर्टी है यूएपीए लगा के अटैच क्यों ना की जाए, इन सबको तिहार में क्यों ना डाला जाए, इन्होंने कम लोगों को मरवाने का काम नहीं किया, इन्होंने जो डर फैलाया जनता में, इन्होंने जो लोगों को डराने का काम किया, इन्होंने जो बिग फार्मा की दलाली की, इन्होंने जो विदेशी वैक्सीनों को चलाने की पूरी पूरी कोशिश की और भारत के वैक्सीन को डाउन किया, और ये तो कह रहे थे कि कुछ तो ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं अभी जिन्होंने बोला रहे वैक्सीन तो 15 साल में भी आए, अब 15-20 साल लगेंगे वैक्सीन बनाने में, 10 साल लगेंगे सबको कराने में, और जब वैक्सीन आई वो पॉलिटिशियन सबसे पहले खुद अपनी वैक्सीन लगवाने पहुंच गया। मतलब इतना सर 140 करोड़ लोगों की जान के साथ खेलने का काम इन्होंने किया, और ये बताइए बिग फार्मा से कितना पैसा लिया, सवाल तो वो पूछना चाहिए, सीआईए से कितना पैसा लिया, सवाल तो वो पूछना चाहिए, डीप स्टेट ने किस किस के थ्रू पैसा किया, सवाल तो वो पूछना चाहिए, जलती हुई चिताओं की फोटो किसने ली, सवाल तो उससे पूछना चाहिए, शमशान घाट में बैठ के जो मोहतरमा फोटो ले रही थी सवाल उससे पूछना चाहिए। आज मैं पूछता हूँ उससे, तब से शमशान की याद नहीं आई, तब शमशान जाके फोटो उठाती ना भैया, और कब्रिस्तान में कोई नहीं मरा, कब्रिस्तान में किसी को नहीं गाड़ा गया, कब्रिस्तान में तो फोटो नहीं उठाई। देखिए सर कहीं ना कहीं जलती चिताओं को देख के हिंदू सभ्यता का मजाक उड़ाना, मोदी जी का आपको मोदी जी की इमेज को गिराना, भारतीय फार्मा की इमेज को गिराना, भारत की जो भी शासन प्रशासन है जो भी व्यवस्था उसको खत्म करना, सबसे बड़ा सक्सेसफुल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमने चलाया, सबसे अगर आप पॉपुलेशन टू कैजुअलिटी रेशियो देखिए दुनिया में वन ऑफ द लोवेस्ट रेशियो हमारा है, सबसे सस्ती इंजेक्शन हमारी है, 150 कंट्रियों को हमने इंजेक्शन दी, वैक्सीन दी, 33% कंट्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी, सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल अगर किसी का वैक्सीन का हुआ, भारत की वैक्सीन का हुआ, और इन्होंने उसी भारत और भारतीय के मनोबल को तोड़ने का काम किया। सर ये तो इतने बड़े गद्दार हैं, क्या बोलूं इनका, इन्होंने कहा कि आपने आर्मी को वैक्सीन लगाई है इसमें साजिश है, इन्होंने आर्मी तक का नाम घसीटा इसमें, क्योंकि हमने सबसे पहले डॉक्टरों को, अपने पुलिस वालों को और अपने आर्मी वालों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई, आर्मी वालों को वैक्सीन लगाने में तक इन्होंने साजिश बताई, और ये कुछ ऐसे लोग हैं कह रहे थे पीएलए 3 दिन में दिल्ली तक पहुंच जाएगी, 3 दिन में दिल्ली तक पहुंच जाएगी। सर कोविड से देश जूझ रहा था, आदमी परेशान था, बेरोजगार था, बेहाल था, कुछ पता नहीं थी कि एक नई बीमारी ने दुनिया को घेर लिया था, जहां से ये आई बीमारी उसको दबाने की कोशिश की गई। चाइनीज वैक्सीन जब रिलीज हुई सर, एक चाइनीज डॉक्टर ने कहा इसमें 73 साइड इफेक्ट्स है और 30 तो फेटल साइड इफेक्ट्स है, वो डॉक्टर भी बेचारा मारा गया, जिसने ठीक उसी डॉक्टर की तरह जिसने पहले कहा था कि ये कोविड है, ये चाइनीज मैन मेड लेबोरेटरी में रिसर्च ऑफ गेन द्वारा बनाया गया वायरस है, और चाइनीज वैक्सीन को का यहाँ प्रचार प्रसार किया गया, सिनोपैक, सिनोवैक, कहाँ चली सिनोपैक, कहाँ चली सिनोवैक, वो तो खुद चाइना में नहीं चली। तो अब मुझे बताइए सर, अगर ये देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या है, मतलब आप पैसे खा के आपका जमीर इतना जमीर बेच दिया तुमने कि देशवासियों की जान रहे, माल रहे, बच्चे मरे, बूढ़े मरे, औरतें मरे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, ये तुम्हारा मीडिया है, और तुम्हें लगता था कि हम पत्रकार का चोला पहनेंगे, कालनीमी की तरह हम राक्षस से ऋषि बन जाएंगे और हम शासन प्रशासन को धोखा देंगे, अब लगा तुम्हारे ऊपर यूपीए, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी कुड़क, तुम्हारे पे आएगा ईडी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, स्पेशल विंग, पूरा शासन प्रशासन आएगा, और अगर विदेशी लिंक मिला तो एनआईए भी आएगा। ये जो चाइना से तुम पैसे लेते रहे और जो चाइना की दलाली करते रहे, सबका हिसाब होगा। सर बहुत से पत्रकार तो ऐसे नहीं है संजय सर जिन्होंने जिंदगी भर 3 करोड़ की सैलरी नहीं कमाई, 300 करोड़ की कोठियां आज कहां से आई, 300 करोड़ की तो कोठियां जर्नलिज्म करते करते 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली भैया, वाह। और कुछ तो ऐसे थे जो मिनिस्टरों के साथ बैठ के UPA 1 UPA 2 में ये डिसाइड करते थे किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन कहाँ का सीएमओ बनेगा, किस आईएएस अफसर की तबादला कहाँ करवाएंगे, पावर टेबल पे बैठते थे ये प्रधानमंत्री के साथ। और आज उन्होंने जो देश को गिराने का प्रचार किया, मैं तो ये पूछता हूँ, ये न्यूज क्लिक वगैरह वाले तो खैर पहली कड़ी है, बड़ी मछलियां जाल में कब आ रही है, बड़ी मछलियों द्वारा
ये जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है 200-300 करोड़ की, ये कब एनआईए, कब इन पे ईडी, कब इन पे ईडी ताला लगाएगी, तब देश का हिसाब होगा। और कब इनसे फेक न्यूज चलाने पे, गलत समाचार चलाने पे, कब इनको तिहार जेल में डाल दिया जाएगा। सर सवाल तो आज ये है, ये तिहार जेल कब जा रहे हैं, कब इनकी तिहार जेल में मनीष सिसोदिया जी से मुलाकात हो रही, सवाल ये है, सवाल ये पूछना चाहिए इनसे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेशियों के कहने पे अपने देश का मान, स्वाभिमान और ईमान बेचा। और मैं इनसे पूछता हूँ एक और चीज, चाइनीज वैक्सीन तुमने टेस्ट की थी, चाइना की वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है तुम्हें पता है? चाइना को तो एफडीए अप्रूवल भी नहीं मिला किसी वैक्सीन का, तुमने ये छापा। और जो अपने जिस रॉकस्टार एक्स गवर्नर को तुम लाए थे अपने चैनल पे, और जिस लोगों को तुमने लाया अपने एनजीओ चलाने वाले को, जो कह रहे थे 25 मिलियन मरेंगे, 30 मिलियन मरेंगे, यहां तक खबरें फैलाई गई संजय सर, भारत की 10-15% आबादी मर सकती है। 10 से ये बात तो हो गई सुमित जी, ये बात तो हो गई, वैक्सीन वाली बात तो हो गई। जो बाकी और जो इनके जो हैं, जैसे आप ध्यान होगा कि ये जो वायर वाले हैं, इन वायर वालों ने आपको ध्यान होगा कि मेटा से झगड़ा किया था, और वो मेटा से झगड़ा भी क्या था, आपको ध्यान है कि एक इन्होंने इंस्टा के ऊपर एक चलाई कि साहब की जो है ये फर्जी बातें की जा रही हैं, वो टेक फॉक के उससे चलाई, और उसको मेटा ने डिनाई कर दिया। बाद में इनमें आपस में झगड़ा हुआ, पता चला कि इन्होंने फर्जी खबर चलाई थी, तो ये लेफ्ट वालों में आपस में झगड़े करा लिए इन्होंने। सर ये जो मेटा वर्सेस वायर की थी, ये पूरा लेफ्टिस्ट कबाल आपस में लड़ रहा था। आपको याद होगा उस दिन मेटा की बात करें, कोविड से ठीक पहले मार्क ज़करबर्ग इंडिया आया था, इंडिया में मुझे याद है आईआईटी दिल्ली गया और बोल रहा था मैं तुम्हें फ्री इंटरनेट दूंगा। वो तो अच्छा हुआ हमारे शासन ने, प्रशासन ने मना कर दिया, वरना फेसबुक ये डिटरमाइन करता आप कौन सी साइट खोलोगे या कौन सी नहीं खोलोगे, कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर अगर उसके कहीं से बढ़ सकते तो इंडिया से, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उसका इंडिया से आता, और इंडिया के इंटरनेट पे कब्जा करने की पूरी साजिश करके आया था ज़करबर्ग यहाँ पे कि मैं तुम्हें फ्री में इंटरनेट दूंगा बट फेसबुक लेवट दूंगा। अच्छा हुआ हमारे शासन प्रशासन ने मना कर दिया। फिर आपको याद होगा कि मेटा पे सर यूएस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी लगी, यूरोपियन यूनियन में पेनल्टी लगी और इंडिया में भी पेनल्टी लगी। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, जो मेटा में एक विसल ब्लोअर कोविड के टाइम के आसपास में एक लेडी थी, उसने खुद यूएस में कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई किया था कि मेटा में जो सबसे ज्यादा चलता वो हेट कंटेंट चलता है, अब्यूज़ चलते हैं, और मार्क ज़करबर्ग को इसके बारे में पूरा पता है और उसने एल्गोरिथम्स ऐसे सेट करवाई है ताकि ये हेट कंटेंट, ये फॉल्स न्यूज, ये जो हेट्रेट वाली चीजें, जो कम्युनल वाली चीजें, ये ऊपर आए, क्योंकि हेट मेक्स पीपल मोर यू नो इमोशनल, और वो इसी चीज पे खेलता है और उसका रेवेन्यू उसी मॉडल पे बेस्ड है, इसीलिए उस पर इतना फाइन लगा। और तब उसी टाइम ये मेटा वाले हो और भी इनके जो लेफ्टिस्ट कबाल के जितने भी लोग हैं, इन्होंने पूरी पूरी कोशिश ये की कि ये प्रूव कर ले कि जो भारत में हो रहा है, सब शासन प्रशासन ध्वस्त हो चुका है, भारत इज गोइंग इनटू अ वायरस एक्लोपिस और दुनिया और वहां करोड़ों लोग मरने वाले। और ये क्या करते थे, ये एक दूसरे को करते थे एज पर वायर, एज पर एक्स, एज पर वाई, उसमें ये आया उसके आधार पे हम ये कर रहे हैं, वो कह रहा हमारे पास सोर्स है उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं, और एक कह रहा मेरे पास एक यूएस में एनजीओ है उसको मैंने बुलाया उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा कह रहा कि भाई एक एक्स गवर्नर है उन्होंने कहा है तो इसलिए ऐसा होगा। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था सर, एक पे एक खबरें डाल के सारे इस फिराक में थे कि भारत का मनोबल कैसे तोड़ा जाए, भारत को इससे कैसे निकाला जाए। और ये चीज इन्होंने केवल कोविड में नहीं की, इन्होंने हर जगह की। आप मेक इन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, सोलर अलायंस की बात करें, आप वीट प्रोडक्शन की बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, ऑपरेशन गति शक्ति की बात करें, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। और इनमें से तो कुछ फैक्ट चेकर भी है, सेल्फ प्रोक्लेम फैक्ट चेकर, जो कहते हैं हर चीज का फैक्ट चेक करते हैं। भैया तुम्हें फैक्ट चेकर का लाइसेंस किसने दिया, किसने बनाया तुम्हें फैक्ट चेकर? और अभी अभी वो जो सेल्फ प्रोक्लेम फैक्ट चेकर है अभिसार शर्मा को बड़ा वो कह रहे थे मोर पावर टू यू। मतलब सर ये अब लोग खुल के सामने आ गए, इन लोगों का एजेंडा ध्वस्त हो चुका है, इन लोगों के पूरे एजेंडा के तार तार उड़ चुके हैं और लोग समझ रहे हैं ये पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता है। आप जैक डॉर्सी का देखिए, तब ट्विटर की बात करता हूँ, ब्रैमनिकल पेरार्की, वो ब्रैमनिकल क्या कहता था, पेरार्की या कुछ कहता था, पेट्रियार्की, हाँ,
और उसके साथ कौन कौन खड़े थे? एक तो वो गड़े खड़ी थी, गड़े के साथ कौन सा पत्रकार, गड्ढे के साथ कौन से पत्रकार मोहदाया खड़ी थी, और उसका जैकडोर से हमारे बुरका जी भी तो थी उसमें। वही तो कह रहा हूँ सर, वही वाली ना जो मुनीर मुरीद के गई थी, मुरीद के वाले पत्रकार जो हाफिज सईद से मिल रहे थे, जिनकी तारीफ खुद हाफिज सईद ने की थी। ये ऐसे पत्रकार है जिनकी तारीफ हाफिज सईद करता है, कहता भाई भारत में एक पत्रकार है वो ये तो और रिकॉर्ड है, वहां वो गई थी। ये सारा देखिए, जहां भी आप तार जोड़ोगे लेफ्टिस्ट का बाल और ये वाले पत्रकार आपको साथ मिलेंगे। भाई भारतीय गवर्नमेंट ने यह कह दिया, ट्विटर पे कितना प्रोपेगेंडा फैला गया। सर दिल्ली राइट्स की बात करें, ISI के फर्जी 800 हैंडल ट्विटर पे चलते थे प्रोपेगेंडा फैलाने के, रोका उन्होंने। जब कोविड हुआ, जब गलवान हुआ, तब भी उन्होंने ये नाटक इनका जारी रहा। क्या किया उन्होंने गलवान के टाइम में? इन्होंने ये बोला कि चाइना कैसे जीत रहा, चाइना ने भारतीयों को कैसे पछाड़ा। बाद में पता लगा हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, चाइना के तो 135 सिपाही मरे, आज तक उनके नाम नहीं दिए शी जिनपिंग ने, औकात नहीं हुई उसकी नाम देने की, 135 लोग मरे उसके। जब हमने इनको अरुणाचल में खूब लताड़ा तब भी उसको छुपाने की कोशिश की गई। और जैक डॉर्सी तो खुद मानता है कि ट्विटर लेफ्ट लीनिंग था, ट्विटर का फाउंडर मेंबर जो दूसरा, उसने कहा ट्विटर लेफ्ट लीनिंग हो चुका है, विकिपीडिया लेफ्ट लीनिंग हो चुका है, और ये एक लेफ्ट लीनिंग विचारधारा को समर्थन करते हैं। ट्विटर सेंसरशिप करता था, सिलेक्टिव सेंसरशिप करता था, ट्विटर के यहाँ एजेंट काम करते थे, ये खुद जैक डॉर्सी मान चुका आज के डेट में। ये तो सिर्फ जैक डॉर्सी मान चुका आज के डेट में हो रहा था। मतलब ये पूरा कबाल, ये लेफ्ट वाला पूरा कबाल था कि हिंदुओं के बढ़ते वर्चस्व को, एक हिंदुओं में एक पावरफुल लीडर उभर रहा है जो दुनिया के स्टेज पे उभर रहा है, इसको फेल कैसे किया जाए, हिंदुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे हिंदू सभ्यता और हिंदू बिलीफों का मजाक बनाया जाए। मतलब वो आप ये काव वाले कार्टून, वो इसरो वाले कार्टून आपने देखे होंगे, कैसे कैसे कार्टून इन्होंने निकाले, कहाँ इन्होंने मौका छोड़ा हिंदू का नाम बदनाम करने में, कहाँ इन्होंने मौका छोड़ा भारत और भारतीयता को नीचा दिखाने के लिए, कहाँ इन्होंने मौका छोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए, कहाँ इन्होंने मौका छोड़ा भारत की वैक्सीन को नीचे दिखाने के लिए, भारत की हर इंडस्ट्री जो हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव उसको इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। और सर ये अकेले नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे कबाल पे क्रैकडाउन हो। और ये जो बड़ी मछलियां अब भी घूम रही है, इनका क्या, ये बताइए हाफिज सईद के द्वारा एंडोर्स जर्नलिस्ट, इन पे एक्शन कब होगा, इनका कब हिसाब किताब निकलेगा, कहां कहां से इन्होंने एसेट लाए, इनके पास आज कितने एसेट हैं, कहां कहां से आए। अगर सब ठीक है कोई बात नहीं, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है तो उसका हिसाब तो होना चाहिए ना। और जो पीछे अनुराग ठाकुर जी ने अच्छा बोला कि भाई गवर्नमेंट को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, UAPA लगाया तो बिल्कुल लगाया, कोई गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन नहीं देगा। ये रॉय सिंघम का तो एक छोटा सा ग्रुप है, और भी इससे बड़े बड़े ग्रुप है, और भी बड़े बड़े महारथी है। जिंदगी भर खादी का कुर्ता और वो झोले वाला बैग लेके घूमते थे, पर 300-300 करोड़ की प्रॉपर्टियां बनी है सर, इस चीज का आंकलन होना, ये 300 करोड़ आए कहाँ से। और ये जो नीरा राडिया वाले पत्रकार है, नीरा राडिया वाले पत्रकार, इन पे एक्शन कब होगा? नीरा राडिया टेप्स वाले पत्रकार भी तो घूम रहे हैं आज के डेट में, उन पे एक्शन कब होगा? पावर टेबल्स पे बैठने वाले पत्रकार, लोगों की किस्मत तय करने वाले पत्रकार, मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिलाने वाले पत्रकार, एम्बेसडर का ट्रांसफर किस कंट्री में होगा वो करने वाले पत्रकार, और कुछ तो ऐसे थे जो खुद ही गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठने वाले पत्रकार। सर बहुत बड़ा क्लैन है ये, अभी तो हमने, मुझे लगता है वी हैव नॉट इवन गॉट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप जाएंगे तो आपको सबके फुटप्रिंट दिखेंगे, ISI दिखेगा आपको, CIA दिखेगा आपको, MI6 दिखेगा आपको, टर्किश इंटेलिजेंस दिखेगी, ये सब 5-6 इंटेलिजेंस है, इनके थ्रू यहाँ अपना एजेंडा चलाने का काम करती थी। सच्चाई तो ये संजय सर, अब देश ये पूछता है कि इन पे एक्शन कब होगा। चाइना वाले तो कहिए उनको देख लेंगे हम, और ये जो मीडिया का चोगा पहन के, मीडिया का चोगा पहन के ये जो देश को बेवकूफ बनाने का काम करते, ये प्रकरण कब रुकेगा? और इनमें से कुछ पत्रकार तो ऐसे भी है, जब ED के कल परसों दफ्तर से आए, बोले हमने सब सवाल जवाब दे दिए, वी आर ऑल क्लीन। आपको याद होगा ना, मैंने मनीष सिसोदिया जी भी घर आते थे, वो यही कहते थे मेरे सब सवाल जवाब हो गए, मेरे लॉकर से कुछ नहीं मिला, मैं बहुत क्लीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब ऐसा हो गया महीनों से मनीष जी को बेल नहीं मिल रही है, तो अब इनका भी नंबर वैसे ही आएगा। और अगर इनको लगता कि ये बैठे बैठे यहाँ चाइना का एजेंडा चलाएंगे और देश को तोड़ने का काम करेंगे, वो अब उसके लिए कोई बर्दाश्त नहीं है। ये जो फैक्ट चेकिंग वाले जो लोग हैं जी, इनकी फंडिंग कहां से होती?
सर इनकी सबकी फंडिंग तो वही है, चाइना है, कुछ सीआईए है। आप देखिए सीआईए फंडेड थिंक टैंक्स है, मोर देन 5000 थिंक टैंक्स इन द वर्ल्ड आर फंडेड बाय सीआईए। ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, एवरीबॉडी नोज दिस। सीआईए फंडेड थिंक टैंक्स है 5000 से ज्यादा। आपके पास ये सोरोस से पैसा आता, सीआईए पैसा राउट करता, MI5 पैसा राउट करता, टर्किश इंटेलिजेंस करती है, ISI करता है, CCP का हेंचमैन है ISI। CCP का पैसा और CCP की कार्रवाई ISI के थ्रू होती है। क्या कनाडा से पैसा नहीं आ रहा? क्या लंदन से पैसा नहीं आ रहा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा? क्या दुबई से पैसा नहीं आ रहा? क्या टर्की से पैसा नहीं आ रहा? इस्तांबुल से आ रहा? सब जगह से पैसा आ रहा है, वो शेल कंपनियां। अभी अभी मैं देख रहा था प्रशांत भूषण जो है वो रवीश कुमार के चैनल पे ये कह रहा था कि अगर भारत में कोई पत्रकार जो है वो चाइना से पैसा लेते हैं तो उसमें गलत क्या है। अच्छा, गलत क्या है सर? देखिए, अगर आपकी कंपनी चाइना से इन्वेस्टमेंट लेती, लीगल इन्वेस्टमेंट, गलत कोई नहीं है। बट अगर आप पैसा दो नंबर से ले रहे हो, दुबई के थ्रू, मॉरिशस के थ्रू, इधर उधर राउट करा के ले रहे हो, और उस पैसे का यूज हो रहा भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने में, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रिकल, एक मैं अपने पड़ोस से इलेक्ट्रिशियन को पकड़ लाता हूँ और मैंने अपने घर में 1.5 करोड़ का इलेक्ट्रिकल काम कराया एक पड़ोसी इलेक्ट्रिशियन से, प्रॉब्लम वहां है। जब आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हो, प्रॉब्लम वहां है। जब भारत के खिलाफ आप एजेंडा चलाते हो, प्रॉब्लम वहां है। जब आपकी फंडिंग इलेजिटिमेट है, प्रॉब्लम वहां है। जब आप मल्टीपल शेल कंपनियों के थ्रू फंडिंग लेते हो, प्रॉब्लम वहां है। जब आपके सहयोगियों को एक कंपनी में, एक नेता के सहयोगी को एक कंपनी में शायद 4000 करोड़ के या 400 करोड़ के शेयर मिलते हैं, जो 50,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले पीए को हजारों करोड़ के शेयर मिलते हैं कंपनी में, तो दिक्कत वहां है। ये जो तुमने ये जो कबाल बनाया है, ये जो तुमने तरीका ढूंढा, देखो पैसा तो बैंक में ही लोगे ना, पैसा लेने तुम बॉर्डर पे तो जाओगे नहीं, हाँ भाई मैं बोरी लेके आऊँ, डॉलर डाल दो इसमें, पैसा तो बैंक के थ्रू आएगा। पर ये लेजिटिमेट मनी फॉर लेजिटिमेट कॉज है, इलेजिटिमेट मनी फॉर इलेजिटिमेट कॉज है, वो है। चाइना प्रॉब्लम नहीं है, चाइना के से पैसा क्यों ले रहे हो? इनका ये कहना है कि साहब की अडानी का NDTV खरीदना जो है वो बिल्कुल गलत है। और ये जो कर रहे हैं अडानी का, है कि अडानी का NDTV खरीदना गलत है या नहीं है, ये हमारी फ्री मीडिया को गोदी मीडिया में कन्वर्ट करने का षड्यंत्र है या नहीं है? सर एक बात बताएं, अडानी जी पूंजीपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने शेयर खरीदे, तुम खरीद लो ओपन मार्केट में। थे देखिए, मैं तो खरीद नहीं सकता, मेरी तो औकात है नहीं, शायद अगर मेरे पास पैसे तो मैं भी खरीद लूं। तो उन्होंने क्या, अडानी जी ने क्या चाइनीज एजेंडा चलाने के लिए पैसा लगाया? टर्की का, पाकिस्तान का एजेंडा चलाने के लिए पैसा लगाया क्या? आप क्या बात करते हैं, अडानी को हमारी ये सारी लुटियंस मीडिया ने हिंडनबर्ग के माध्यम से एक्सपोज कर दिया। अच्छा, ये जो लुटियंस मीडिया था, हिंडनबर्ग पे याद आया, ये हिडनबर्ग वाला पहले एम्बुलेंस ड्राइवर था सर, इसके पास 10 CFA है, 10 CFA। ये वो देख पाता जो अर्नेस्ट एंड यंग, ENY, जो बिग फोर देख नहीं पाते, ये वो देख पाता। और तीसरी बात मैं बोलूं, जब से अडानी का आपने ये जो पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, इकोनॉमिक टेररिज्म करने की कोशिश की अडानी जी पे, उनके शेयर तो वापस आ गए। उन्होंने किसी लोन पे डिफॉल्ट नहीं किया, सब पेमेंट दे रहे हैं, उनके बॉन्ड सब ले रहे हैं। जिस क्रेडिट स्विस ने उसका बॉन्ड लेने की मना कर दिया, मैं तुम्हारे बॉन्ड नहीं लूंगा, वो तो लिटरली दिवालिया हो गया, उसको तो UBS ने टेक ओवर कर लिया। और मैं इस हिडनबर्ग और इसके चाहतों को ये पूछूंगा, तुमने अदानी जी पे तो बहुत नजर रख ली भैया, बहुत माइक्रोस्कोप घुमा लिया। जब एस स्टॉक, सिलिकॉन वैली बैंक और US में 12 से 14 बैंक बेल हो गए, तब क्या तुम अफीम खान के सूंघ रहे थे क्या? अफीम सूंघ के सो रहे थे क्या? अमेरिका में बैंक पे बैंक फेल हुए, तुम्हें वो नहीं दिखा? सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया, वो तुम्हें नहीं दिखा? तुम्हारी दृष्टि अदानी पे, यार वाह गजब हो तुम। और अदानी में पाया क्या? सेबी ने ऑडिट किया, SIT बैठी, जांच पड़ताल हुई, कुछ नहीं हुआ, कई डिफॉल्ट नहीं हुआ, शेयर वैल्यू वापस आ गई है, अदानी जी को और पैसा मिल रहा है, और प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ है तुम्हारी? ये जो तुम्हारा तरीका था पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन करने का, सर तरीका सिंपल है, किसी पर अटैक करो, शेयर गिरेगा, सस्ते दाम पे शेयर उठाओ, तुम्हें पता वो अल्टीमेटली तो वापस बढ़ेगा। अगर आपने लाखों करोड़ों शेयर उठाए आपके चहतों ने, फिर जब शेयर वापस आएगा, यू मेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ विदाउट मूविंग अ ब्रिक। ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म करने का तरीका है, किसी पे भी आरोप लगाओ, लांछन लगाओ, शेयर गिराओ, सस्ते में करोड़ों शेयर उठाओ, और फिर उसको अपना आगे कर दो। जब पीछे ये अडानी जी में फिर
पीछे जो अटैक हुआ था, जिन्होंने एक मात्रा से ज्यादा शेयर उठाया उस दिन, एक अमाउंट से ज्यादा, वो सब ईडी के, सबके नाम ईडी के पास चले गए। अब ईडी आएगी घर पे, फिर पूछेगी भैया ये शेयर क्यों उठाए, अचानक क्यों उठाए, किसके कहने पे उठाए, तब फिर बोलेंगे किस किस ने बोला था। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने 5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी G20 से ठीक पहले कि भाई ये आ गया, ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई। तो आप ये जो पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन या पॉलिटिकल टेररिज्म करने की कोशिश करते हो, किसी का शेयर गिराओ, आप तुम्हारे चाहते उठाएं, शेयर वापस अड़ेगा, कुछ 100 या कुछ 1000 करोड़ तुम 10-15 दिन में बनाओगे बिना मेहनत किए। ये अब की बार भारत की जनता ने चलने नहीं दिया। इंडिया डिड नॉट रिएक्ट टू दिस हिडनबर्ग, और इस हिडनबर्ग पे खुद FBI की जांचें हो रही है। काफी कंपनियों के बारे में ये रिपोर्ट US में नहीं निकाल सकता है, ये गलत है क्या? तो ये हिडनबर्ग कौन सा नया मसीहा आ गया, कौन सा नया रिइनकार्नेशन ऑफ गॉड है भाई ये? मतलब हमने सुना था ईसा मसीह आए थे, ये कौन से नया ईसा मसीह है ये हिडनबर्ग, जिसने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, उन बातों को लेख कर हम बाइबल बना देंगे? ये है कौन हिडनबर्ग? इसकी औकात है क्या? और क्या कर पाए अदानी का, क्या कर पाया भारत का? भारत को रोकने के लिए हिडनबर्ग का तो तरीका था सर, एम्पलीफाई कौन करता? एम्पलीफाई तो यही दलाल करते हैं ना, एम्पलीफाई तो यही बिका हुआ मीडिया करता है ना। चलिए हिडनबर्ग ने जो किया किया, अगर ये मीडिया उसको तड़का ना लगाए, अगर ये मीडिया उसके तिल का ताड़ ना बनाए, हिडनबर्ग हो या मिडनबर्ग हो, उसके कहने से क्या होगा? ये जो चीजों को, ये जो फेक न्यूज को, गलत न्यूज को एम्पलीफाई करते हैं, भारत के पास वैक्सीन नहीं है, भारत की वैक्सीन फेल, जनधन फेल, आधार फेल, मेड इन इंडिया फेल, ये फेल, डिजिटल इंडिया फेल, ये जो हर चीज को लेके भारत को रोकने की कोशिश करते, प्रोपोगंडा फैला के, जिससे विदेश और विदेशी इंटरेस्ट का फायदा हो, सवाल वो है। अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट का सवाल नहीं है, पैसे किस लिए, सवाल वो है। पैसों का क्या किया, सवाल वो है। ये जो इलेक्ट्रिशियन में तुम अपने 1.5 करोड़ घर में काम करा रहे हो, इलेक्ट्रिशियन बुला के, सवाल ये है। उन पैसों से जो गाड़ियां आती है, बंगले बनते हैं, सवाल ये है। ये जो NGO से फर्जी फंडिंग आती थी और इनमें ऐसे अशरतें होती थी, जो पैसे रुक गए, सवाल वो है। अब दे दो ना ईडी को हिसाब किताब, दे दो CBI को, इकोनॉमिक अफेयर्स विंग को, स्पेशल सेल को हिसाब किताब दो, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया वो तो तुम निकल जाओगे। तो डर क्यों लगता तुम्हें, तुम्हें डर क्यों लगता? और हर बंदा पहले ये कहता मैंने कुछ नहीं किया, बाद में जिस दिन ईडी रोक लेती कहते देखो जी मोदी जी ने भेज दिया ईडी वाले, CBI वाले, ये वाले, वो वाले। और जब तुम्हारे पास ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिलता है, इत्र के मित्र के पास 250 करोड़ मिलते हैं, ममता दीदी के मिनिस्टर के पास 50 करोड़ मिलते हैं, DK शिवकुमार जी के हम माउंटेन ऑफ कैश मिलता है, जब ये कैश मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लाल डायरिया मिलती है, तब मुंह पे ताला क्यों लगता है? आखिर हमारे KC राव गारू किसको बचाने के लिए 2 बार मोदी जी के पास गए थे, मोदी जी मुझको NDA में ले लो, किसको बचा रहे थे राव साहब, किसको बचा रहे थे ये बताइए ना। लेकिन ये आप चलते चलते ये तो बताइए कि साहब के ये जो पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, इसके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों खड़ा हो गया? न्यूयॉर्क टाइम्स तो खुद ही चाइना का एजेंट हुआ करता था, अब वो चाइना वालों को एक्सपोज कर रहा है, तो ऐसी क्या बात हो गई? सर मुझे लगता है चाइना वालों का ना आजकल हाथ तंग है, तो उन्होंने पैसे वैसे देने बंद कर दिए होंगे, ऐड देने बंद कर दिए होंगे, अब जहां से ऐड मिल रहा उसको एक्सपोज कर रहे हैं। सवाल ये है न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार की क्रेडिबिलिटी क्या है? आपके रिपोर्टर हैं, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कोई लड़की है राना नाना करके, जो भी नाम है उसका, अब ऐसे लोग अगर आपके लिए लेख लिखेंगे, भैया आप अपनी गुडविल खुद ही बर्बाद करते हो, अब अपने आप गुडविल खुद ही बर्बाद करते हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी वार्ड लगाई है, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी वार्ड लगाई है। सर आज मैं सच बताऊं आपको, सच दिल से कह रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी, जयपुर डायलॉग्स की क्रेडिबिलिटी न्यूयॉर्क टाइम्स से ज्यादा है आज के डेट में, आई कैन बेट यू। आप लोगों से पोल करवाइए, लेट्स रिप्लाई बैक। हमारे लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है ना, मैं कह रहा हूँ 1.5 मिलियन लोग न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं क्या? हमारे दैनिक जागरण और भास्कर का सर्कुलेशन 10 गुना है न्यूयॉर्क टाइम्स से। जयपुर डायलॉग जितने लोग देखते हैं उतने तो न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं देखते हैं। और अगर आज लोग डाले अपने कमेंट्स में डाले हु इज मोर क्रेडिबल, जयपुर डायलॉग से न्यूयॉर्क टाइम्स, आज ही फैसला हो जाएगा, सबको समझ आ जाएगा कौन क्रेडिबल है। सर ये जुरासिक एरा के रिलिक्स है, ये जो डायनासोर के वो कंकाल मिलते हैं ना, अब ये वो पुराने डायनासोरों के कंकाल है, और इनके अन्नदाता और इनके आका ये अब सोचते कि 10-20 अखबारों में खबरें निकाल के कुछ जर्नलिस्टों को अपने साथ कर लो, आप कोई भी प्रोपोगंडा कोई भी एजेंडा चला रहे हो,
चाइना पाकिस्तान तुर्की सीआई से पैसे उठाओ, MI6 से पैसे उठाओ और भारत और हिंदुओं को दबाने का काम करो, हिंदू समाज में कुरीतियां ढूंढो, हिंदू मैरिज का मजाक बनाओ, करवा चौथ का मजाक बनाओ, आप करवा चौथ मजाक बनाओ, रामनवमी का मनाक बनाओ, दशहरा का मनाक मना, होली दिवाली आपका जलीकट्टू, हर चीज जो हमारी सभ्यता है, मकर संक्रांति, हर चीज का मजाक बनाओ और फिर तुम्हारे जो तवलची है ये उसको खूब प्रचार प्रसार करके बड़ा करेंगे, देखो जी भारत में क्या हो रहा, देखो जी होली से कितना पोल्यूशन हो रहा, देखो जी एनिमलों की एनिमल से राखियां बांधी जा रही है, ये पेटा वाले कहते थे कब कब एनिमल स्किन से राखी बांधी गई, ये जो है ये जो करवा चौथ का रिग्रेसिव, दुर्गा हिंदू मॉब्स, जन्माष्टमी हमारी दुर्गा पूजा हिंदू मॉब्स, जल्लीकट्टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स, मकर संक्रांति क्रुएल्टी टू बर्ड्स, वाटर पोल्यूशन, जब बकरा ईद होती है आपने बांग्लादेश की फोटो देखी, बारिश होती है तो लाल रंग बहता पूरे बांग्लादेश में, वहां पोल्यूशन नहीं होता, सारा पोल्यूशन दिवाली के दिन ही होता है, और ये कुछ क्रिकेटर भी है जो कहते हैं कि हम आई विल गिव यू टिप्स हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली, आजकल बोल नहीं रहे एक दो साल से, तो मतलब ये जहां भी जो भी हिंदू का सर फेस्टिवल है दिवाली के दिन फिर क्रैक पटाखे चलाना बंद करेंगे, सारा पोल्यूशन दिवाली के दिन होगा, वो तो देखिए आपको प्रॉब्लम, यूक्रेन में चाहे जितने बॉम्ब गिरे उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आर्कटिक की अंटार्कटिक की बर्फ नहीं पिघलती। तो चलिए अब आज की ये चर्चा जो है अब इसको हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और ये अवश्य है कि बुरे दिन आए हुए हैं इस समय लुटियंस मीडिया के, न उनको पब्लिक मान रही है, पब्लिक भी जूते लगा रही है और ईडी भी जूते लगा रही है, और तो और न्यूयॉर्क टाइम्स और जो सोरोस के विरोधी हैं वो भी जूते लगा रहे हैं, बड़ा विकट एक बड़ी विकट एक समस्या है सर, जूते इसलिए लगा रहे हैं, कह रहे यार तुमने इतने खाया पिया इतना माल लिया काम तो कुछ किया नहीं, खाया पिया चार आना गिलास थोड़ा भर आना तुम्हारी परिस्थिति तो वो है सर, काम नहीं करेंगे तो जूते तुम्हारे गिने, कह रहे इतने पैसे ले लिए 1000 करोड़ फूंक दिए तब भी मोदी जी गद्दी से नहीं उतरे तब भी भारत का बाल बांका नहीं हो रहा, भैया तुम पैसे काहे के ले रहे हो, सवाल तो वो पूछ रहे इससे तभी वो इनके पेरोडी पड़े हैं, कोई बात नहीं इनका इनके कुंडली में शनि आ चुका है, आप देखिए इनका उनकी क्या दुर्गति होती है और कहां कहां तक होती है, आप और हम तो यही हैं, जब भी कुछ होगा फिर आएंगे फिर बात करेंगे जी। तो अब आज इसको समाप्त करते हुए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। संजय सर आपको सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आभार, वंदे मातरम, जय हिंद और जाते जाते हर 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 महादेव।